Temiz. जितने भी मैम मजाद हैं सभी एकदम मुतहरक हैं और आने वाले दिनों में काम करने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट में आपको मैं एक और बात बता दूं, बड़े फखर की बात है कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को G20 समिट के लिए मुनखद किया गया है और आप सब लोगों को मुबारकबाद के श्रीनगर में G20 हो रही है मई के महीने में। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जब मैं इस पहाड़ के बर्फ की तरफ आप देखें, इन पहाड़ों की तरफ देखें, ये खूबसूरत नज़ारा ये इस बात की जमानत है कि इस इलाके की खूबसूरती, इस इलाके को जो कुदरत ने एक एटमॉस्फेयर दिया है, जिस तरीके से यहाँ के पहाड़ जंगल बर्फ पड़ गई है उस पर, सही बात है छत पड़ गई है और बाकी काम भी इसी साहब को मैंने बताया है, अब मौसम भी खुल गया है तो जल्द ही हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो आपके सामने हेल्थ और न्यूट्रिशन सेंटर होगा जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का, आंगनबाड़ी में जो जाते थे उन बच्चों को वहाँ न्यूट्रिशन सेंटर में। गर्ल्स स्कूल का ना होना मुझे लगता है कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके साथ नाइंसाफी हो, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। तो एक गर्ल्स स्कूल इस्लाह सर यहीं पर आप उनको लैंड दे दीजिए, लैंड हम एजुकेशन डिपार्टमेंट आप मुझे लिखे लैंड के लिए, तो उनको लैंड हमारा आगे सीजन आ रहा है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी पूरे तरीके से आपके साथ है, जो जो आप लोगों की बाकी डिमांड से उनको सुना जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सर मैं डीसी साहब को पहले भी मिला था इसी ग्राउंड में, डी साहब को पहले भी मिला हूँ मैं इसी ग्राउंड में, मैंने इसको फंक्शन मांगा था इरिगेशन के लिए, मगर बदकिस्मती से इसमें वो पैसा डाला वहाँ वो काम हो गया, मतलब दाचीगंज नाले से आ रहा है वो पानी काम हो गया, मगर जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ काम नहीं हुआ, बाहर हुआ काम, बाहर हुआ इरिगेशन कनाल का दे सकते हैं। और एसएस भी दे, जिसका मकसद भी यही है शायद आपका कि यहाँ आने का, मैं खुद अपनी आंखों से आपकी मुश्किल दी। और एक मसला है, सिर्फ एक मसला है कि पिछली बार हमने कहा था हमारा गांव यहाँ सरपुर है, वहाँ पर इस पूरे जो ड्रेन से गांधरबल तक कहीं पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सर, पूरे एरिया में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सर पूरे एरिया में नहीं है, बहुत मुश्किल होती है सर, बहुत मुश्किल होती है सर। वो बॉयज हम गर्ल्स चाहते हैं, श्रीनगर में कहीं दरख्तों को बिजली के खंभों के बजाय वहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे दरख्तों पर से बिजली लाइन लगाई गई है। हमने 4-5 सालों से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में बहुत काम किया सराबा शबीर साहब के एरिया में आरडीएस पे रखा हुआ है, श्योर उसमें तो वहाँ पर जो रोड है वहाँ पर एक नाला बहता है नाले मरुई, हम जनाब से एक रिक्वेस्ट करेंगे हम ये जैसा कि आप जानते हैं पीआरआई लोगों का लोगों के बीच में एक अहम रोल रहता है। दिल से शुक्रगुजार हैं, हमारे काम बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कहने चाहते हैं सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शबी साहब से, मेरा अस्सलाम वालेकुम। हमारे पिछले 1-2-3 साल में जितने हम देखेंगे तो जो काम आज तक नामुमकिन थे वो भी हमारे डी साहब के यहाँ होते थे, मुमकिन वो काम भी हो गए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी एक स्कीम है मुमकिन स्कीम, उसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लड़कों ने यहाँ से गाड़ियों के लिए किया था फॉर्म भरे थे और बैंक से उनका लोन बन के गाड़ियाँ भी उनकी कंपनी पे आई और वो पिछले 2 महीने से किस्तें भी भर रहे हैं 15-15 हज़ार, सूद समेत वो लगभग 18-18 हज़ार पे जाते हैं।
और वो गाड़ियां अभी तक इनको नहीं मिली। कुछ परमिट का इशू है इसमें। इन्हीं के साथ एक बंदे भी बड़गामा से सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौली साहब, जैसा कि इन्होंने पिछली बार भी दो तीन इन ब्लॉक दिवसों में यहाँ पे लोगों के मसाइल उठाए हैं, मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, अपने मसाइल बयान करें और मुख्तसर रहे मेहरबानी, क्योंकि डी साहब के पास भी बहुत वक्त उतना ज्यादा नहीं होता है और हमारे दफ्तरों में भी आए, क्योंकि आपको भी पता है मार्च का महीना है तो बड़े काम है, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर यहाँ पे अपनी बात। बहरहाल मैं यहाँ के अवाम की तरफ से डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात को कहने में कोई संकोच।